हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटर मीनाक्षी। मैं मीनाक्षी और आज मैं आपको कान्हा जी की ड्रेस का एक न्यू डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, जो कुछ इस प्रकार से दिखती है। और फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहती हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चोली मैंने पहले से ही बनाकर तैयार कर ली है। चोली बनाना मैंने अपनी पहली वीडियोस में बता रखा है, आप मेरी वीडियोस में जाकर चेक कर सकते हैं अगर आपको चोली बनाना सीखना है। तो चलिए तो आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये लूप बना हुआ है जहाँ पर हमने अपना ये जॉइंट किया था आपस में। अब हम यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन। ये तीन चेन बना ली और हर चेन में दो दो बार डबल क्रोशिया करते हुए चलेंगे। एक दो, देखिए इस तरह से हमें हर चेन में दो दो बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन कंप्लीट कर लेनी है। देखिए ये लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हमें इस लूप को जहां हमने तीन चेन स्टार्टिंग में बनाई थी उन चेन में ज्वाइंट कर देना है, इस तरह से स्लिप स्टिच से। ये स्लिप स्टिच बना दिया, देखिए इस तरह से ये जॉइंट हो गया। अब हमें क्या करना है, ऐसे इसे अपनी बॉडी को फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से आगे के दोनों फ्रंट आपस में मिलाते हुए इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये फोल्ड हो गया, एक निशान इधर लगाना है और एक निशान इधर लगाना है। देखिए एक निशान मैंने इधर लगाया है और एक निशान ये इधर लगाया है। अब हमारे ये दो पार्टीशन हो गए इस पूरे घेर के, ये जो पूरी लाइन थी इसके हमारे दो पार्टीशन हो गए। एक पार्टीशन ये हो गया, दूसरा पार्टीशन ये हो गया। अब क्या करना है, देखिए तीन चेन बनानी है, एक दो और ये तीन। तीन चेन बना ली, जो इसके बराबर वाली चेन है जहाँ पर हमने तीन चेन बनाई है उसके बराबर वाली चेन है, उसमें हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और बीच में एक चेन बनाएंगे, फिर इसी चेन में एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए दो डबल क्रोशिया बना लिए। अब ये जो इसके बराबर वाली चेन है चेन में ना डालते हुए जो हमने ये बनाया है ये इस तरह से, यहाँ से बीच से निकालना है क्रोशिया और यहाँ पर ये डबल क्रोशिया हमें बना लेना है। ये देखिए इसे फ्रंट स्टिच बोलते हैं। एक बार और बताती हूँ, देखिए बराबर वाली चेन में भी ऐसे ही करना है, यहाँ बीच में क्रोशिया डालना है, एक लूप बनाना है, फिर हमें डबल क्रोशिया कर देना है। ये हमारा फ्रंट स्टिच हो गया। अब इसके बराबर वाली चेन में फिर से दो बार डबल क्रोशिया बनाना है, एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनानी है, फिर एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर उसके बराबर वाले में फिर से फ्रंट क्रोशिया करेंगे, देखिए आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे फ्रंट क्रोशिया क्या है। चेन में हमें क्रोशिया नहीं डालना है, यहाँ बीच में क्रोशिया डालना है और डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से इसी तरह से करते हुए ये लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए निशान तक ऐसे ही करते हुए मैंने ये लाइन कंप्लीट की है।
आधा राउंड हमारा ये कंप्लीट हो गया है। देखिए आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमारा आधा राउंड बचा हुआ है उसमें हर चेन में डबल क्रोशिया करते हुए ये आधा राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए हर चेन में डबल क्रोशिया करते हुए ये आधा राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हमने जहाँ तीन चेन बनाई थी स्टार्टिंग में उसमें इसको ऐड कर देंगे, जॉइंट कर देंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, फिर से तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, ये तीन चेन बना ली। अब हमने स्टार्टिंग में पहले एक चेन में दो बार डबल क्रोशिया किया था, बीच में एक चेन बनाई थी। अब क्या करना है, जहाँ पर हमने ये एक चेन बनाई थी उसमें दो बार डबल क्रोशिया करना है। एक और ये दो। अब एक चेन बनाएंगे, फिर दो बार डबल क्रोशिया करेंगे इसी चेन में, एक और ये दो। ये देखिए इस तरह से एक चेन में चार बार डबल क्रोशिया कर लिया, बीच में एक सिंगल चेन बनाई इस तरह से। अब हमने यहाँ पर फ्रंट क्रोशिया बनाया था तो हम फिर से फ्रंट क्रोशिया बनाएंगे, बीच से क्रोशिया डालेंगे, लूप लेंगे और डबल क्रोशिया बना देंगे, फिर डबल क्रोशिया बीच में डालेंगे क्रोशिया और यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए ये दो फ्रंट क्रोशिया हैं और एक चेन में दो बार डबल क्रोशिया है। अब क्या करना है, इसी चेन में चार बार डबल क्रोशिया बनाना है, बीच में एक चेन बनानी है, एक दो, ये दो बना लिए और एक चेन फिर से दो। ये देखिए इस तरह से ये दो के चार हो गए और बीच में एक चेन बनी हुई है। फिर से ऐसे ही ये आधा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए डिज़ाइन कंप्लीट करते हुए मैंने ये आधा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हमने जो ये आधा राउंड है इसमें पिछली बार हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया किया था, इस बार क्या करना है, इस बार हमें दो चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया करना है और एक चेन में दो बार डबल क्रोशिया करना है। इसके बराबर वाली चेन छोड़ेंगे यहाँ पर, उससे आगे वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर उससे आगे वाली में एक बार डबल क्रोशिया और जो थर्ड नंबर की चेन है उसमें दो बार डबल क्रोशिया करेंगे और ये दो। देखिए ऐसे ही करते हुए ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। चलिए तो कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आधे राउंड में हमारा डबल क्रोशिया बन रहा है और आधे राउंड में हमारा डिजाइन बन रहा है। तो इस तरह से डबल क्रोशिया करते हुए ये आधा राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अपने लूप को छोटा करना है और जो स्टार्टिंग में हमने तीन चेन बनाई थी उसमें इसको अटैच कर देना है स्लिप स्टिच से। ये देखिए स्लिप स्टिच से मैंने इसमें अटैच कर दिया। आप तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, ये तीन चेन बना ली। अब जिस चेन में हमने स्टार्टिंग में ये पहले राउंड में चार डबल क्रोशिया बनाया था उसमें हम छह डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए पहले तीन बनाएंगे, एक दो और ये तीन, ये तीन डबल क्रोशिया बना लिया। अब एक चेन बनाएंगे, फिर से तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसी चेन में बनाना है, एक ही चेन में, यानी कि पहले फर्स्ट राउंड में हमने दो बनाए थे, फिर चार बनाए, फिर छह बनाए, इस तरह से करते हुए ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। इसके बराबर वाली चेन में हमें फ्रंट क्रोशिया बनाना है। बहुत इजी वे में मैं आपको बता रही हूँ और आपकी समझ में भी अच्छे से आ रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको बनाने में आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर चार डबल क्रोशिया बने हुए हैं, इसमें आप छह डबल क्रोशिया बनाएंगे, पहले तीन बनाएंगे, एक दो और ये तीन, तीन डबल क्रोशिया बन गए। अब एक चेन बनाएंगे और फिर से तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो और ये
3। देखिए ऐसे ही करते हुए राउंड कंप्लीट कर लेंगे, आधा ही राउंड कंप्लीट करना है डिजाइन से। चलिए तो कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये आधा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हमें फिर से इस आधे राउंड में हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया करना है और ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। चलिए तो कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हर चेन में डबल क्रोशिया करते हुए ये आधा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब स्टार्टिंग में जहां 3 चेन बनाई थी उसी में इसको अटैच कर देंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। और ये येलो कलर का धागा हम इसमें से अब हटाने वाले हैं और यहां पर हम रेड कलर का धागा ज्वाइन करेंगे, ये इसमें अटैच कर देंगे। चलिए तो कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए रेड कलर मैंने इसमें अटैच कर दिया है। अब हम बिल्कुल सेम उसी तरह से वर्क करेंगे जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं। देखिए बस डिफरेंस इतना होगा कि हमने स्टार्टिंग में एक चेन में 2 बार बनाया था डबल क्रोशिया, फिर 4 बार बनाया, फिर 6 बार बनाया। अब हम 8 बार बनाएंगे, फिर 10 बार बनाएंगे। इसी तरह से हमें जितना भी घेरा बनाना है उतना ही इसको बनाते हुए कम्प्लीट कर लेंगे। ये मैं 4 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हूँ, तो इसमें मैं 8 बार ये डबल क्रोशिया करूंगी एक ही चेन में। और आपको जितने भी साइज के कान्हा जी के लिए बनाना है उतने ही डायमीटर नापकर आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए तो इतना मैं कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पोशाक इस तरह से लगभग तैयार ही हो गई है। आधे में इसमें मैंने डिजाइन बनाना सिखाया है आपको और आधे में ये डबल क्रोशे से तैयार हुई है। आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं क्योंकि ये ऐसे भी बहुत प्रिटी लग रही है। और अब मैं आपको इसे और अधिक डेकोरेट करना बताऊंगी, जिसे डेकोरेट करने के लिए मैंने ये फ्लावर बनाए हैं। देखिए और कुछ ये पत्तियां बनाई हैं। देखिए चलिए तो आपको ये बनाना सिखाते हैं कैसे मैंने बनाए हैं। ये फ्लावर बनाने के लिए मैंने ये रेड ऊन ली है और पत्तियां बनाने के लिए मैंने ग्रीन कलर की ऊन ली है। इन दोनों कलर से हम पहले फ्लावर बनाते हैं रेड कलर से, फिर ग्रीन कलर से पत्ती बनाएंगे। तो एक लूप बनाएंगे, पांच चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 चेन बना ली। उसके बाद स्टार्टिंग वाले लूप में क्रोशिया डालकर स्लिप स्टिच से इसको बंद कर देंगे। अब 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, ये 3 चेन बना ली। और इसमें जो ये हमारा लूप तैयार हुआ है ये इसमें डबल क्रोशिया करते हुए इसको पूरा अच्छे से फील करेंगे। ये देखिए ये होल मैंने डबल क्रोशिया करते हुए पूरा फील कर दिया है। कितने डबल क्रोशिया करे हैं मैं गिन के बताती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 डबल क्रोशिया से मैंने इसको पूरा फील कर दिया है। ये अच्छा सर्कल बन गया है हमारे पास में। अब क्या करना है, जो स्टार्टिंग में हमने 3 चेन बनाई थी उसमें हमें इसको अटैच कर देना है स्लिप स्टिच से इस तरह से। फिर से 3 चेन, अब हम यहाँ पर 12 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, ये 12 चेन बन गई। जहां से हमने ये चेन बनानी स्टार्ट की थी वहीं पर इसको सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे इस तरह से। फिर से 12 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 आएंगे, 12 चेन हमने बना ली। ये देखिए इस तरह से ये 2 बन गए हैं। ऐसे ही बनाते हुए पूरा सर्कल ये हमें कंप्लीट कर लेना है। पूरे राउंड में हम इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। चलिए तो कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्लावर मैंने बना लिया है।
बहुत इजी वे में आपको बताया है ये बताना। अब हम पत्ती बनाएंगे, एक लूफ बनाएंगे और पांच चेन बनाएंगे। अब स्टार्टिंग के लूफ में क्रोशिया डालेंगे, स्लिप स्टिच से इसको बंद कर देंगे। इस तरह से ये होल बन गया। अब हमें इसमें 8 डबल क्रोशिया करने हैं। पहले 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, ये 3 चेन बना ली। अब 8 डबल क्रोशिया करेंगे, 8 डबल क्रोशिया कर लिया। अब 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, ये 3 चेन बना ली। अब यहां पर इसको स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। फिर से 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बन गए हैं ये। अब यहां से धागे कट कर देंगे। पीछे जो ये धागा लटका हुआ है इसमें इसको बांध देंगे। ये देखिए, ये पत्ती बनकर तैयार हो गई और ये फूल बनकर तैयार हो गया। तो चलिए अब हम इनको अपने ड्रेस पर अटैच करते हैं। देखिए, पहले हम ये फ्लावर लेंगे, एक फ्लावर ऐसे रखेंगे और एक ऐसे रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ये। आप इसको ग्लू की हेल्प से या सुई धागे से अटैच कर सकते हैं। इसको अटैच करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक कैसा आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें ये फ्लावर्स लगा दिए हैं, पत्तियां लगा दी हैं और इनमें मैंने मोती लगाए हैं। यहाँ जो हमारी लाइनें बनी थी उन पर हमने ये लेस लगाई है और ये बहुत ब्यूटीफुल सी पोशाक बनकर तैयार हो गई है। आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे सिखाने का मेथड जरूर पसंद आया होगा। आप जब इसको बनाएं तो पिक मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये पोशाक बनकर तैयार है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये पोशाक कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आगे भी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग एंड कीप स्माइलिंग।